आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा जोशी। देखिए, मैं हमेशा रेकी हीलिंग के फेवर में सारी बातें करती हूँ कि रेकी हीलिंग हर एक को करनी चाहिए, सीखनी चाहिए और अपने जीवन में लेकर के जानी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी एक बात आप समझिए कि जब आप रेकी हीलिंग सीख लेते हैं तो आपको लगता है कि आपने 21 दिन कर ली और अब आपको जीवन में आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो बैलेंस हो गई एनर्जी और अब तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर हम रेकी को आगे जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रेकी हीलिंग कर क्या रही है हमारे लिए, ठीक है, और हमें क्यों रेगुलर करनी है। आप ये सोचिए कि हम कभी अपने शरीर को साफ ही ना करें। आप ये सोचिए कि एक बच्चा जो कि पैदा होने से लेकर 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक कभी नहाया ही ना हो, कितना गंदा होगा। हम रोज नहाते हैं, धोते हैं, डेली साफ रहते हैं, हम कुछ दिन ना नहाएं तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, हमको कितनी बेचैनी सी होने लग जाती है अंदर से। हम जब नहाने जाते हैं तो हमें कितनी मेहनत लगती है, एक दिन में हम साफ हो पाते हैं? ऐसा जम जाता है अगर कई दिन तक हम ना नहाए, मैल वो कई दिनों तक निकलता रहता है, होता है ना ऐसा, एक दिन में सफाई नहीं होती। अब ये हमारे शरीर की बात है। रेकी हीलिंग क्या करती है, हमें ऊर्जाओं से जोड़ती है और ये ऊर्जाएं हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं जमा होती जा रही हैं, हमारे पैदा होने से लेकर आज तक वो जमा ही होती जा रही हैं, उनकी गंदगी कभी हमने साफ करी ही नहीं, ना हमने सोचा। अब जब हम रेकी हीलिंग सीखते हैं तो हमें एक तरीका मिल जाता है उस प्राण ऊर्जा को कैच करने का, उसके साथ जुड़ने का, उसको प्रयोग करने का। अब जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही हम अपने शरीर के अंदर जो हमारी ये नाड़ियों का जाल है, जो ऊर्जा के रूप में एक नाड़ियों का जाल है और जो जुड़ा हुआ है सातों चक्रों से, उसे हम क्लीन करते हैं, उसे हम साफ करते हैं, सातों चक्रों को साफ करके। तो सोचिए ना कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा आपके अंदर की नकारात्मकता को निकालने में। आप तो शुरू से लेके अभी तक ऊर्जाओं को साफ कर ही नहीं रहे थे। अब कोई भी व्यक्ति रेकी सीखता है, मिनिमम बच्चा तो नॉर्मली नहीं सीखते, बच्चे भी कभी कभी सीखते हैं, लेकिन आप सोचिए 25 साल, 30 साल, 35 साल, आप इस उम्र में आके समझ रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं मुझ में ये नकारात्मकता है और मुझे ठीक करनी है। तो इतने साल तक जब आपने गंदगी निकाली ही नहीं, तो ये गंदगी आपको रोज निकालनी पड़ेगी। पहले तो आप उस लेवल पर पहुँचेंगे जब आप अपने सातों चक्रों की गंदगी को निकाल के जो आपके सातों चक्रों का मूल स्वरूप है उसको समझ पाएं। फिर उसके बाद आप रेगुलर हील करेंगे अपने सातों चक्रों की और फिर ये चीज समझेंगे कि ये जो हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं ये हम उसके स्वरूप को बनाए रखने के लिए है और साथ में उस स्वरूप में और चमक लाने के लिए। हम और ज़्यादा अपने चक्रों में चमक लाते हैं, रोशनी लाते हैं, कलर्स लाते हैं और एक अलग ही अद्भुत, एक अद्वितीय से एक चमक और एक रोशनी और एक ऊर्जा हम उनमें लेकर के आते हैं, जो उन चक्रों से संबंधित हमारी चीज़ें हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब खत्म होती रहती हैं समस्याएं। तो रेकी हीलिंग सिर्फ 21 दिन करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको रेगुलर अपनी हीलिंग करनी है, रोज़ करनी है, रोज़ 21 मिनट हर व्यक्ति को अपने लिए निकालना चाहिए। ज़रूरी है नहीं निकाल सकते भाई, कोई बात नहीं, 7 मिनट निकाल लो, एक एक मिनट कर लो अपने चक्र की हीलिंग, इतना तो कभी करो, लेकिन नॉर्मली 21 ही मिनट आपको निकालनी चाहिए। 3-3 मिनट करनी है मूलाधार चक्र से, नॉर्मल है ना। जब हम नहाते हैं तब भी तो लगते हैं 15 मिनट कम से कम, 10 मिनट, 15 मिनट सबको लगते हैं, तो उतना ही टाइम तो थोड़ा सा अपनी हीलिंग में लगा रहे हैं। अरे आप लोग सुबह उठते हैं, ये सोचिए, उठते ही आप लोग चाय पीते हैं ना, नॉर्मली कुछ तो पीते हैं, कुछ तो थोड़ी देर तो आदमी बैठता है 15 मिनट बिस्तर पे, बेड पे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ही उठ के भाग लिया, रेयर ही होता है। तो वो 15 मिनट को आप 21 मिनट कर लो,
सबसे पहले आप उठते ही अपने ऊपर सिंबल डालो, जिसने रेकी सीखी होगी वो ही कर पाएगा। सिंबल डालो और मूलाधार से अपनी हीलिंग कर लो। फिर बताओ कितना आसान है, सुबह सुबह हील कर ली और पूरा दिन आप उस ऊर्जा में रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए इतना मुश्किल नहीं है अपने लिए 21 मिनट निकालना, मुश्किल है आपको समझाना कि रेकी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लोगों को लगता है हम तो शाम को करेंगे, हम तो दिन में करेंगे, हम तो रात को करते हैं, ऐसे ना काम बना लेते हैं बहुत बड़ा सा, अब हम रेकी कर रहे हैं, अब हम हीलिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं कीजिए, इसको एक जर्नल अपने रोज की प्रैक्टिस में डाल दीजिए। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, बस सुबह उठे फटाफट पहले हीलिंग कर ली, खत्म, काम ही खत्म। 21 मिनट का तो काम है, क्या प्रॉब्लम है? और अगर आप सारा दिन बहुत बिजी हैं इधर उधर, तो रात को भी कर ली, एक एक मिनट ही कर लो अपने चक्रों पे, क्लीनिंग तो करो। देखिए इसको ना हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, तो हम अपने जीवन में इसको एक जब रोज़मर्रा की चीज़ बना लेंगे ना, तो इतने सारे प्रश्न हमारे अंदर आएंगे ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए। सुबह सुबह उठते हैं, थोड़ा सा आँख खुलने में टाइम लगता है, अपना चेहरा हम लोग धोते हैं, एक मिनट के लिए हम टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद बैठ के अपना फटाफट हीलिंग कर दो, और इस चीज़ को, इस सिस्टम को यहीं, इस सोच को यहीं ख़त्म कर दो कि हम हीलिंग करेंगे, बहुत बड़ा एक काम हो गया और वो सारी की सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। नहीं, आप जब करने लगेंगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कितना खुद को टाइम दिया है। लेकिन हीलिंग करनी पड़ेगी। आप सोचिए आपके अंदर की ये जो ऊर्जाओं की नकारात्मकता है, इसको निकालना कितना ज़रूरी है। आप कल्पना कीजिए, अगर आप नाना है किसी दिन, तो आप कितना अंदर से चिड़चिड़ाने वाले हैं, आप कितना बेचैन होने वाले हैं। यही तो है, आप अपनी ऊर्जा को साफ नहीं करेंगे तो अंदर से आप चिड़चिड़ाने वाले हैं, आप बेचैन होने वाले हैं, आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन आपको समझ भी नहीं आएगा, आप खुश नहीं होंगे। सब कुछ होगा आपके पास, पैसा, रिश्ते, स्वस्थ शरीर, लेकिन वो सुकून नहीं होगा, वो शांति नहीं होगी, क्योंकि आपने नहाया नहीं। सब कुछ होने के बावजूद, खूब आपका मेकअप हो, खूब अच्छे कपड़े हो, बिना नहाए किसको सुकून आ सकता है? कितना दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। बस वही है, जब भी आपके पास सारी चीज़ें होंगी ना, तब भी आप खुश नहीं होने वाले, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जाओं को साफ ही नहीं किया। लेकिन जब आप रेकी हीलिंग कर लेंगे, तो आप जैसे नहा लेकर फ्रेश हो जाते हैं ना, वैसे ही आप अपनी ऊर्जाओं से खुद को फ्रेश कर लेंगे, और फिर आप देखिए ना कितना रिलैक्स फील होता है, कितना हैप्पी हैप्पी फील होता है, कितनी खुशी खुशी सी अंदर से लगती है, एक इंटरनली एक अलग ही हमें खुशी का एहसास होता है, एक इंटरनली एक अलग ही हमें अनुभूति का एहसास होता है। तो वो अनुभूति जिसके लिए हम तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, जैसे हम माँ की गोद में लेट जाते हैं ना सर रख के, वो जो एक सुकून की अनुभूति होती है ना, वो होती है हमें रेकी करके। ये भी तो एक प्रकृति की ऊर्जा है ना, प्राकृतिक ऊर्जा है। जब हम इससे अपने आप को क्लीन करते हैं, तो हम भी एक तरीके से इस प्रकृति की गोद में ही तो सर रख के बैठे हैं, उस ऊर्जा का लाभ ले रहे हैं। तो डेली हीलिंग कीजिए, प्रश्न नहीं कीजिए, कीजिए, अपने रूटीन में डाल दीजिए बस। फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे बदलेगा आपका जीवन। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं रेकी हीलिंग के बारे में, आपके और एक के बारे में, अंक शास्त्र के बारे में, ज्योतिष के बारे में लेकर के आती रहूँगी। अगर आप बहुत ही सरल भाषा में, आपकी भाषा में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए कि आप रेकी डेली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, और आप रेकी को कैसे अपने जीवन में ले रहे हैं, आपने कौन सी जगह दी है रेकी हीलिंग को, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बताइए कि आप रेकी हीलिंग सीखने के बाद क्या अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, प्रणाम।